हे गाइस, सो हम क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे थे, तो हमारा फिफ्थ यूनिट है, उसका फर्स्ट टॉपिक है मार्केट बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड। ठीक है, तो अपन हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। और कम्युनिटी टैब चेक करते रहना मेरे चैनल का, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको वहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, RGB नोट्स प्रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है मार्केट बेस्ड मैनेजमेंट। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो मार्केट बेस्ड मैनेजमेंट मतलब कि आपने सुना होगा मार्केटिंग करना किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की, हम मार्केटिंग करते हैं ना उसको, मार्केट उसको यही है वो चीज़। ठीक है, तो लाइक जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेट्स सपोज उसने शैम्पू बनाया है, तो अब आपका काम ये है कि आपको मार्केटिंग करनी है उस शैम्पू की। सो डैट आपने शैम्पू बनाया क्यों, क्योंकि वो सेल हो, कस्टमर्स खरीदें उसको और आप अपना रिवेन्यू जनरेट कर पाओ। सीधी बात है, यही हर कोई का टारगेट होता है एट लास्ट। तो सेम वैसे ही इसमें भी, हमारे इसमें भी है कि हम क्या करेंगे कि पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, देन प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है, हमें उस प्रोडक्ट को क्या करना है, मार्केटिंग करनी है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है। अब हम मार्केटिंग किस चीज़ करेंगे, लाइक हमारे केस में क्या क्लाउड है, लाइक AWS हुआ, गूगल हुआ, तो इनके काफ़ी सारे इनके गुड्स एंड सर्विसेज हैं। गुड्स एंड सर्विसेज को आप फिजिकली मत समझिएगा, आप इसको क्लाउड के टर्म्स में समझिएगा। लाइक वो आपको होस्टिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको जो क्लाउड जो है वो आपको 50 तरीके की चीज़ें दे रहा है, वो आपको वर्चुअल मशीन्स की फीचर्स दे रहा है। तो वो जो ये जो सर्विसेज है ना, इन सब की हमें मार्केटिंग करनी है। तो इसी टॉपिक को अपन कहते हैं मार्केट बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ क्लाउड, मतलब मार्केटिंग का मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो इस टॉपिक का काम वही है। तो अब इससे क्या होगा कि मार्केटिंग हमें यह करना है, आज के टाइम में क्या होता है, पहले क्या होता था आपको, मतलब पहले क्या अभी भी होता है कि आपके TV में एडवर्टाइजमेंट आता था, बट जो TV में एडवर्टाइजमेंट आता था ना वो रेलिवेंट नहीं होता था। लाइक आपके हिसाब की एडवर्टाइजमेंट नहीं आती थी, मतलब कुछ भी एड्स दिखती थी। अब जैसे आपने बहुत बार TV पे देखा होगा सनी लियोन की एड आती है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो जो 18 ईयर से कम जो छोटे बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग वो ऐड अच्छी नहीं है, समझ रहे हो। तो इररेलीवेंट ऐड आती है, जो TV देख रहा सबके लिए यूनिवर्सल ऐड है, वैसे आप सोच इमेजिन करना, तो ये इररेलीवेंट ऐड आती है, किसी के ही मतलब की एड्स नहीं है, बस बहुत ही इसका क्लिक थ्रू रेट बहुत कम है। बट अगर आप यही आज की डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे जाओगे तो ये बहुत इफेक्टिव है। लाइक गूगल आपका जानता है कि आपको आपका इंटरेस्ट किस में है, तो वो आपको उस टाइप की एड्स दिखाएगा। लेट सपोज आप कुछ भी सर्च कर लेना गूगल पे, आप एक मोबाइल सर्च कर लेना, तो आपको अगले दिन से उस मोबाइल की उस मोबाइल की भी ऐड आएगी और उस मोबाइल की सिमिलरिटी वाले मोबाइलों की भी एड्स आएंगी आपके YouTube पे, या कुछ भी आप सर्च करोगे तो आपको एड्स मिलेगी। या आपको एक घड़ी सर्च कर लेना एक बार, आपको हर जगह वो घड़ी दिखेगी एडवर्टाइजमेंट में। तो ये होता है, तो वो आपको क्यों दिखा रहे हैं बराबर, जिससे कि आपका मन ललचाए कि मैं खरीद लेता हूँ, सब सब मेरे पीछे पड़ गए हैं, तो समझ रहे हो ना। तो ये एक तरीका होता है। तो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ट्रेंड पे है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, और इस यही ये कह रहे हैं कि मार्केट बेस में हमें डिजिटली मीडियम से, लाइक आपका फेसबुक पे एड्स होती हैं, गूगल पे होती हैं, ट्विटर पे होती हैं, तो इन सब पे हमें लगा के उस चीज़ को प्रमोट करना है, सो डैट हम एंड यूज़र जो हमारा कस्टमर है हम वहाँ तक पहुँचे और अपने जो क्लाउड की सर्विसेज हैं उसको सेल आउट करें। डैट्स इट, ये टॉपिक का मेन गोल है। और इसके एडवांटेज क्या है, ये सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। ठीक है, मीन्स जो कि क्लाउड मार्केटिंग है ना, ये आपका इनेबल करता है एक बिजनेस को कि वो अपना जो है मार्केटिंग में कम से कम कॉस्ट लगाए और उसको थ्रूपुट ज़्यादा मिले, मतलब आउटपुट ज़्यादा मिले। लाइक डिजिटल मीडिया पे आपके हम वो बना दें, लाइक आपने पोस्ट देखते होंगे, आपको मैगजीन्स दिखती होंगी और ग्राफिकल पोस्ट दिखते होंगे, अलग अलग तरीके के वीडियोस दिखती होंगी, तो आप देखिए सिर्फ आपको डिजिटल मीडिया दिख रहा है हर जगह और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मगर आप अगर ट्रेडिशनल मेथड देखो तो पहले आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिखती थी और आप पोस्टर छपवाते थे हर जगह, गली के बाहर पोस्टर ही पोस्टर लगाते थे। बट आज के टाइम में ये चीज़ बहुत ट्रेंडिंग है डिजिटल मार्केटिंग, इसमें बहुत आसानी से हो जाता है, तो ये बहुत सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। फिर उधर कस्टमाइजेशन, आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइक आपको जिस टाइप के लोग चाहिए, आपको किस टाइप का पोस्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बहुत वैरायटी है। आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, जिस टाइप की भी आप मार्केटिंग करना चाहो उस टाइप की मार्केटिंग आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है। टाइम सबसे ज़्यादा इसमें आपका एक क्रूशियल थिंग है। लाइक आप पहले क्या होता था कि आप पोस्टर लगाते थे घर के बाहर, बहुत सारे एडवर्टाइजर,
और उसको देख लेते थे। पर उस पोस्टर की भी एक सीजनल पोस्ट होते हैं कुछ कुछ की, लाइक ये सिर्फ 15 अगस्त के लिए ही है ये ऑफ़र, उसके बाद ये ऑफ़र वैलिड नहीं है, तो वो पोस्ट अफेक्टिव नहीं रहता। बट आप क्या कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में डेट सेट कर दो और वो आ जाएगा, और फिर जैसे आपका सेल खत्म हो उसके बाद वो आप टोटली डिलीट कर सकते हो उसको ऐड को। बट जो अगर ट्रेडिशनल पोस्ट लगे हुए हैं वो आप हटाओगे नहीं, आपने लगाए तो आपको कोई लगे रहने दो यार कौन हटाए, तो ये भी एक फ़ायदा आप डिजिटल में कम्प्लीट डिलीट कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस सबसे पहली चीज़, क्यों आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो कोई भी इसको टच नहीं कर सकता, ये फिजिकल चीज़ मतलब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है ये फिजिकल नहीं है सबसे पहली बात, तो समझ रहे हो ये क्या है। सिर्फ आप डिजिटल मार्केटिंग मतलब आपको फेसबुक और हर जगह दिख दिख रही है पर आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो, ये बस समझ रहे हो। तो अब क्या होता है, कई का कोई कस्टमर खरीद लेता है तो उसका वो सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को आदत होती है कि हम दुकान पे जाके चीज़ों को देखें। जैसे आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो आप दुकान पे जाओगे और देख के बुक करके आ जाओगे, पर आप भाई ऑनलाइन करोगे तो आपको थोड़ी मेंटलिटी वो है कि मतलब यूज़र एक्सपीरियंस अभी इतना इंडिया में आज के टाइम में हो चुका है पर पहले नहीं था ऐसा। जैसे आज के टाइम में लोग कुछ भी बुक करते हैं 20-20, 25-25 हज़ार का ट्रांजेक्शन बिना सोचे कर देते हैं अमेजोन पे या उस पर, पहले के टाइम पे मेंटलिटी छोटी थी तो नहीं कर पाते थे। और फ्रॉडेंट भी होते हैं इस पर, लाइक इंटरनेट फ्रॉड, अब हैकर्स बैठे हैं आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है वहाँ आप फंस सकते हो, तो ये भी एक है हैकिंग वाला पार्ट। डिजिटल डिवाइड, लाइक इसका सबसे ऐसे वो है कि आप पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हो, लाइक आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो केवल इंडिया के एक स्टेट में चलानी है आपको, मध्य प्रदेश में, डेट्स इट, तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आप लिमिट लगा सकते हो, तो कहीं ना कहीं आप इसको हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात, तो जोग्राफिकली आप कर सकते हो, कल्चरल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जहाँ पे इनकम है उस इनकम के हिसाब से भी आप फिल्टर लगा सकते हो, डेमोक्रेसी, मतलब फिल्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसमें ये कुछ कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लाइक आप वहाँ पे सोशल, जैसे चाइना में आपके सोशल मीडिया में केवल एक चलती वी चैट, डेट्स इट, तो वहाँ आपका प्रोडक्ट फेल हो गया क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि वहाँ पे केवल एक ही चल रहा है आपकी, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए वो फेल हो गया क्योंकि आपने लिखा चाइना पर चाइना में फेसबुक कुछ चलाता ही नहीं है या कुछ भी एक सर्विस चलाता ही नहीं कोई, तो फिर कैसे होगा। तो ये क्लाउड मार्केटिंग प्लान स्ट्रेटजी, इसकी पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है आपको गोल तक पहुंचने के लिए, कि आपका गोल है कि आपको 10,000 लोग तक टच करना है, समझ रहे हो, तो उसके लिए आप पूरी स्ट्रेटजी बनाओगे और उसको आप 4 की एलिमेंट में करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एस्टेब्लिश करोगे गोल को, ठीक है, फिर आप एस्टेब्लिश करोगे गोल को, पूरा बनाओगे कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है, मेरा बजट इतना इतना है और मैं इन इन लोकेशन में लाऊंगा, पूरा एक गोल अपना एस्टेब्लिश करोगे, फिर आप डेवलपमेंट करोगे उसको लगाओगे, फिर उसका मेंटेनेंस करोगे, मेंटेनेंस मतलब उसमें जो भी बिलिंग विलिंग है उसको आप पूरा भरोगे और जो आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करोगे, उसके बाद फिर एवेल्यूशन, आपका जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा, लाइक आपका जो गोल था आप अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए या आपका जो भी आउटकम है वो सब इस वाले में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग एक अलग ही ट्रेंड पे है, आजकल हर कोई स्मॉल बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो हर कोई डिजिटल मार्केटिंग प्रेफर करता है, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट है एज कम्पेयर टू वो जो मैंने बताया सनी लियोन वाला, टीवी वाले पे आप कुछ भी ऐड दिखते हैं किसी को भी, वो मतलब ठीक है आप दिखा रहे हो और वो अमाउंट भी दे रहे हैं, बट थिंग इज कि इररेलीवेंट है आज के टाइम में, हर किसी को क्विकली चाहिए और रेलिवेंट चीज़ चाहिए। आप इंस्टाग्राम भी खोलते हो तो आपको 50 तरीके की चीज़ दिखती हैं, तो वो सब चीज़ें आपसे रिलेटेड ही होती हैं, अगर आप ध्यान से देखो आपको है ना, आपको फालतू चीज़ें बहुत कम दिखती होंगी, लाइक 90-95% आपको सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें दिखेंगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल, क्योंकि वो आपको समझ रहे हैं, आपका जो सर्चिंग का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वो समझ रहे हैं, और आपको जो कंटेंट है और जो पोस्ट है जो भी आप स्टोरीज हैं वो सब आपको रेलिवेंट चीज़ दिखाते हैं। इसी वजह से क्या है आज के टाइम में लोग एडिक्टेड हो गए इन सब चीज़ों के, जैसे आप यूट्यूब पे आप कुछ भी एक चीज़ सर्च कर लेना आपको उसके साथ रिकमेंडेशन आएंगी, तो इससे क्या होगा आप इसके कस्टमर बने रहोगे। अब क्या हो, लेट्स सपोज अगर ये रिकमेंडेशन वाला फीचर अपन यूट्यूब से हटा दें तो क्या होगा, आपने आपको रिक्वायरमेंट थी कि लेट्स सपोज RGBP के लेक्चर, आपने सर्च किया आपको मिल गए, आपने कर लिया, आपने यूट्यूब खोला अब कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या चलना है, कुछ भी दिख रहा है लाइक समझ रहे हो कुछ भी, तो आप समझ ही नहीं पाओगे हम क्या एक्सेस करें, तो आप इसके कस्टमर लंबे टाइम तक नहीं रहोगे। बट ड्यू टू दिस रेलिवेंट रिकमेंडेशन वाले फीचर की वजह से आप यूट्यूब खोलोगे आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहली वीडियो दिख जाएगी, तो आप क्या करोगे उस पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करोगे तो देख लोगे, फिर और वीडियो देखोगे, ऐसी देख देख के क्या होगा कि आपको फिर के हैबिट लग जाएगी, आपके डेली के नियम बन जाएगा कि मेरे को रोज का 1-2 घंटे या 5 घंटा यूट्यूब को देना है, 2 घंटे इंस्टाग्राम को देना है, तो आप पूरा दिन
सोशल नेटवर्किंग से घिरे रहते हो, यही एक रीज़न है। क्या? रिकमेंडेशन। समझ रहे हो मेरी बात? सो आई होप क्लियर हो गया होगा। और चैनल खोल खोल के देखते रहा करो, कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय।